लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साइकिल पंक्चर हो गई थी। नहीं साहब, सच्ची बात यह है, मैं भूल गया था साहब, मैं भूल गया था, भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चाय वाय का इंतजाम हो सकता है बिरजू साहब? अभी लाया साहब, अरे ठाकुर को ठोकर लग गई, माफ करना ठाकुर साहब। किसकी तस्वीर है ये? इस इलाके के जागीरदार साहब, कुंवर बलबीर सिंह जी की। इनकी मर्जी के खिलाफ साहब, यहाँ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, किसने टांगी है तस्वीर? आपसे जो पहले ऑफिसर थे ना, उन्होंने। लेकिन ये तो सरकारी दफ्तर है, उतारो से। उतरिए। भेजो सिंह जी, साफ कर रहा हूँ। हमारे कुंवर जी की तस्वीर किसके हुक्म से उतार रहा है? मेरे हुक्म से। ये दफ्तर कुंवर जी की जागीर नहीं है। साहब, आते ही कुंवर साहब की तस्वीर हटाने लगे, दूसरे अफसर तो उनको सलाम करने हाजिर हो जाते हैं। मैं यहाँ सलाम करने नहीं, काम करने आया हूँ। काम? नए रेंजर साहब, एक छोटी सी बात कहूँ आपसे, हमारे सरकार के ताबेदार बन के रहिए। हाँ, इसी में आपकी भलाई है। बैर मोल लोगे तो पछताओगे। नसीहत देना छोड़िए और ये बताइए क्या कौन है? मैं सरकार का खास आदमी हूँ। खास आदमी? हाँ। तो खास तौर से ये याद रखो कि आइंदा इस दफ्तर में आना हो तो सिर्फ इजाजत लेकर ही आओ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। उतर। सरकार, वो नया रेंजर बड़ा गुस्ताख निकला। अपने दफ्तर में से उसने आपकी तस्वीर उतार फेंकी। आते ही हवा में उड़ने लगा। कोई बात नहीं, अभी नया है ना, कुछ ही दिनों में अपना काम समझ जाएगा। तब तक जंगल की कटाई रोक दूं? भीम सिंह, काम जारी रखो। उस रेंजर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, उसे हम जमीन पर ले आते हैं। चलो। देखा निशाना हमारा? सदा लाजवाब है कुंवर जी, वरना मैं क्यों शिकार बनती आपकी? तो वो नया रेंजर मिला था तुम्हें रस्ते में, हम्म? कैसा है वो? ये उन पुराने रेंजरों जैसा नहीं है जिन्हें आप आसानी से बस में कर लेते थे। ये कुछ और ही तेवर रखता है। तेवर? कभी तुम भी तो रखती थी, कर लिया ना बस में। मेरी बात और है, मैं तो एक नादान हिरनी थी, फंस गई। लेकिन राजा जी, इस बार आपकी टक्कर में एक मर्द बच्चा है, लगता है कुछ कर दिखाएगा। एक मामूली रेंजर क्या कर दिखाएगा, उसकी औकात ही क्या है? अरे उसके जैसे तो 36 छोकरे खरीद सकते हैं हम। देखा साहब, एक दरख्त और गिरा दिया। ये सब ठाकुर के आदमी हैं? जी हाँ साहब। करो, आइए। बंद करो या कटाई, बंद करो वो कटाई। कुंवर जी के प्रजा पे हुकुम चलाने वाले तुम कौन हो? सरकारी अफसर हूँ और ये तमाम जंगल भी सरकार के हैं। ये तुम्हारे कुंवर जी की जागीर नहीं है, समझे? रेंजर बाबू, ये फूफा करने से पहले दफ्तर जाके नक्शे देखो, नक्शे। हाँ, पिछले अफसर ने रिश्वत खाकर यहाँ के नक्शों में हेरा फेरी की है, इसलिए मैं हेड ऑफिस से असली नक्शे अपने साथ लेकर आया हूँ। नक्शे पहले सभी लाते हैं, जो बाद में रद्दी में बिकते हैं, रद्दी में। ए, काम जारी रखो। अबे ओ, कुल्हाड़ी उठा। खबरदार, जो किसी ने कुल्हाड़ी उठाई तो। इस जंगल में पेड़ काटना जुर्म है, जो पेड़ काटेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। यस सर। तुम दफ्तर जाओ। जी। मैं आगे मुआयना करके आता हूँ। जी साहब। सुना नहीं? मैंने नहीं कहा है, साहब ने कहा। रेल चली जाए रे, चका चुक चका चुक चका चुक। अरे बिरजू। जी सरकार। जंगल में झरने के किनारे गाना कौन गाया करता?
सवेरे सवेरे बुलबुल, दोपहर में कोयल और रात में उल्लू साहब। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ उल्लू। मैंने एक लड़की को गाते सुना है, बहुत मीठी आवाज थी। मीठी आवाज, लड़की लड़की खूबसूरत भी होगी। हो सकता है, मैं ठीक तरह उसे देख नहीं पाया। क्यों, उसने लैंप बुझा दिया था क्या? लैंप? कैसा लैंप? ये रोशनी वाला लैंप साहब। कुछ लड़कियां जरा शर्मीली होती हैं, ऐसे वक्त में उन्हें रोशनी नहीं चाहिए होती है। क्या क्या बकवास कर रहा है? घबराइए मत साहब, बिरजू बड़े बड़े राज हजम कर जाता है। पिछले रेंजर साहब इसी क्वार्टर में चंपक ग्वालन को लाया करते थे, मगर ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और न मरते दम तक बताऊंगा। ओहो, तो तुम समझते हो कि पिछली रात यहाँ कोई लड़की आई थी? अरे साहब, मेरी तरह आप भी जवान हैं और जवानी में ऐसे गुल तो खिला ही करते हैं। शट अप, शर्मिया की ऐसी बेहुदा बातें करते हुए। साहब मैं बेहुदा बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ये ओढ़नी कुछ कह रही है। अरे बुद्धू, ये ओढ़नी तो किसी झरने पार वाली लड़की की है। तेज हवा के झोंके से जो उसके गले से उड़ी, सीधा मुझ तक आ पहुंची। मगर इस ओढ़नी के पीछे उड़ते उड़ते आप झरने के उस पार मत चले जाइएगा, वरना खटिया पर आपकी वापसी होगी, क्योंकि राजगढ़ वालों की और झरने के उस पार वालों की जानी दुश्मनी है साहब। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो लोग इस जंगल के पुराने बाशिंदे हैं। कभी झरने के दोनों तरफ के इलाकों पर उनके मुखिया का राज था, मगर कंवर साहब ने अंग्रेजों को मस्का लगा लगा कर झरने के इस तरफ की जमीन अपने कब्जे में कर ली। बस फिर क्या था, वो लोग भाले और कुल्हाड़े लेकर टक्कर पर आ गए। इस तरफ बंदूकें थी, इधर से ठाकुर ने ठाए से बंदूक चलाई, बेचारा उधर का मुखिया ढेर हो गया। तब से अंधेर हो गया। अब उसका बेटा यानी कि नया मुखिया अब राजगढ़ वालों के खून का प्यासा है सरकार। आप भूले से भी झरने के उस पार मत जाइएगा। भूले से तो नहीं, हाँ जान बूझ के जा रहा हूँ। आ जाइए। अरे अरे सरकार, मत जाइए सरकार, मत जाइए सरकार। गए सर। चोरी कर रही थी पर ये ओढ़नी मेरी है बाबूजी। मांग लेती, चुराने क्यों लगी? मांगते डर लगता था। क्यों, मेरे सर पर सींग तो नहीं? नहीं, ओढ़नी दे दो ना बाबूजी। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, किसको कहा? घोड़े को नहीं, सवार को। आज तक हमारे सामने किसी ने जुबान खोलने की गुस्ताखी नहीं की, तुम्हारी ये जुर्रत। ठहरिए सरकार, ठहरिए। ये अंग्रेज बहादुर का आदमी है, नया रेंजर। नया रेंजर, बड़ी तारीफें सुन चुका हूं आपकी। मैंने भी बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। उधर कहां से आ रहे हैं आप, कहीं झरने पार तो नहीं गए थे? जी हाँ, गया तो था।
मत जाया कीजिए वहां, बड़े खतरनाक लोग रहते हैं उस तरफ। खतरनाक लोग तो इस तरफ भी हैं। हमसे दोस्ती करके हर खतरे से बचे रहेंगे आप। कभी हमारी हवेली पर भी हाजिरी दीजिए। वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। शुक्रिया। आओ माई मैम, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बिरजू, तुम्हारे साहब तुम्हें छुट्टी तो दे देंगे ना? मेरे साहब? हाँ? अबे मेरे साहब मेरी जेब में हैं। यहाँ तो नहीं है? अबे तुझे दिखाई नहीं देंगे, मैं जब चाहूँ साहब से छुट्टी ले लूँ और जब चाहूँ साहब की छुट्टी कर दूँ। सच? यकीन नहीं आता, ले देख अभी। साहब, आज सोनपुर का मेला लगा है, अगर आप जरा छुट्टी दे दे तो मैं जरा झूले में चिंगिया चुकुआ चिंगिया। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और तुम सैर सपाटे की छुट्टी मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत शर्म आती है साहब, बहुत शर्मीला हूँ मैं। सोनपुर का मेला बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग देखने आते। मुझे नहीं जाना है साहब, मैं तो बहुत बाहर जा चुका हूँ। मगर साहब देखने का मेला होता है, बड़ी रौनक बड़ी धूमधाम होती है, बड़ी मिठाइयाँ बिकने आती हैं, गुड़ के सेव, अरे बर्फ के गोले, मलाइयाँ, कुल्फियाँ। बिरजू अपनी बकवास बंद करो। जाबे। क्या कहा? मैं मक्खी से कह रहा था यहाँ जाबे, बहुत मक्खियाँ हैं यहाँ पर। क्या हूँ साहब, वो ओढ़नी झरने पारवारी की लौटा दी आपने? भांत भांत की ओढ़निया चुनरिया लहंगे आते हैं, मेले में चूड़ियां खनखनाती हैं, और खास तौर से झरने के पार वाली हर ओढ़नी आकर मेले में लहराती है साहब। अब जाऊं मैं मेले में? अरे बाबा तू जा, जा जा मेरी जान बख्श, तू जा बस जा। नहीं आप कहते तो मैं नहीं जाता हूँ। तो फिर मचाइए। नहीं मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जाता हूँ मैं।